सब्सक्राइब कीजिए टेक बॉस पीजे चैनल को दबाइए बेल आइकॉन को लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए नमस्कार दोस्तों सभी लोगों का स्वागत है टेक बॉस पे चैनल में आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ चलिए शुरू करते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ को समझने से पहले उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं हम जैसे सिग्नल फ्लो ग्राफ में फॉरवर्ड पाथ क्या होता है इट इज़ अ पाथ फ्रॉम इनपुट नोड टू आउटपुट नोड एक एग्जांपल के लिए एक सिग्नल फ्लो ग्राफ लेते हैं हम ये इनपुट नोड है आर ये है आउटपुट नोड सी और सिग्नल फ्लो ग्राफ कुछ इस टाइप का मान लेते हैं हम नाउ सी द डेफिनेशन इट इज़ अ पाथ फ्रॉम इनपुट नोड टू आउटपुट नोड ये इनपुट नोड है ये आउटपुट नोड है तो फॉरवर्ड पाथ क्या हुआ ये स्ट्रेट पाथ ठीक है डायरेक्शन इसकी इस टाइप से अगर ये ऊपर वाली लाइन भी फॉरवर्ड पाथ की तरह बिहेव कर रही है तो ये भी फॉरवर्ड पाथ हो सकता है यहाँ से लेकर ये पॉइंट फिर ये स्ट्रेट इनपुट नोड से आउटपुट नोड के बीच में जितने भी पाथ आएंगे वो कहलाएंगे आपके फॉरवर्ड पाथ अगर वो पाथ सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं ओके अगर डायरेक्शन इस तरह से तो ये फॉरवर्ड पाथ में काउंट नहीं होगा ठीक है क्योंकि अगर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो ये यहाँ पर इस तरह से एक लूप बनाएगा तो फॉरवर्ड पाथ में हमें काउंट किसको करना है वो वाले पाथ जो इनपुट से आउटपुट नोड को ज्वाइन कर रहे हैं लूप्स की अगर बात करें इट इज़ अ पाथ विच ओरिजिनेट्स एंड टर्मिनेट्स एट द सेम नोड यहाँ पे देखिए इस नोड की अगर बात करें यहाँ से चलो इसको सेपरेटली बना लेता हूँ एक नोड ये रही एक नोड ये रही इस नोड से इसको मिलाया फिर यहाँ से एक लूप आया फिर इस नोड पे आके मिल गया तो लूप किसे बोलेंगे इस पाथ को बोलेंगे हम जो यहीं से स्टार्ट हो रहा है और यहीं पर टर्मिनेट हो रहा है विच ओरिजिनेट्स एंड टर्मिनेट्स एट द सेम नोड नॉन टचिंग लूप्स, लूप्स आर सेट टू बी नॉन टचिंग इफ दे डू नॉट पासिस एनी कॉमन नोड इसको भी एक एग्जाम्पल समझते हैं ये हमारे पास सिग्नल फ्लो ग्राफ कुछ इस प्रकार का है और यहाँ पर एक लूप ये बन रहा है और एक लूप ये वाला बन रहा है अब आप देखिए दोनों लूप एक दूसरे से सेपरेटेड हैं इस लूप की नोड्स से हैं ये रही इस लूप की नोड्स से हैं ये वाली तो ये नोड्स एक दूसरे को टच कर रही है क्या नहीं कर रही है लूप्स आर सेट टू बी नॉन टचिंग इफ दे डू नॉट पासिस एनी कॉमन नोड तो ये दोनों लूप कैसे एक दूसरे से नॉन टचिंग एल वन बोले इसको अगर एल टू बोलें सो वी कैन सेट एल वन एंड एल टू आर नॉन टचिंग फॉरवर्ड पाथ गेन इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द ब्रांच गेंस एनकाउंटर इन ट्रेवर्सिंग अ फॉरवर्ड पाथ अब फॉरवर्ड पाथ गेन की अगर बात करें तो इसी एग्जांपल को देखते हैं यहाँ पर अगर ये इस पाथ पे गेन मान लेते हैं G1, इस पर मान लेते हैं जी टू तो ये पूरा फॉरवर्ड पाथ है तो इस फॉरवर्ड पाथ का गेन क्या हुआ G1 इन टू जी टू ओके इसको और डिटेल में देखेंगे हम सिग्नल फ्लोग्राफ में लूप गेन, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ब्रांच गेंद एंड इन ट्रेवलिंग अ लूप यहाँ पर देखिए लूप ट्रेवल्स कर रहे हैं आप तो इस पाथ का गेन अगर जी वन है इस पाथ का गेन अगर एच वन है तो लूप गेन क्या हुआ इस एल वन के लिए एच वन जी वन तो इस प्रकार से आप लूप गेन निकाल सकते हैं तो इन सभी टर्म्स को आपको ध्यान रखना है कि फॉरवर्ड पाथ क्या होता है लूप क्या होता है नॉन टचिंग लूप्स क्या होते हैं फॉरवर्ड पाथ गेन क्या होता है लूप गेन क्या होता है नाउ वी विल सी मेशंस गैन फार्मूला ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी हेल्प से आप ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं सिग्नल फ्लोग्राफ का सो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाय समेन पी के डेल के बाय डेल इन सभी टर्म्स को आपको समझना है डेल क्या है डेल इज़ नोन एज ग्राफ डिटर्मिनेंट और इस ग्राफ डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हम इस फार्मूले से डेल इज इक्वल टू वन माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजअल लूप गेंस अभी मैंने आपको लूप गेन निकालना समझाया था अगर एक सिग्नल फ्लो ग्राफ इस तरह का है यहाँ पर ये लूप है ये वाला लूप है इसका लूप गेन L1 है इसका लूप गेन L2 है तो इस ग्राफ डिटरमिनेंट को निकालने के क्या करना पड़ेगा आपको वन माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन तो ये इंडिविजुअल लूप गेन जो है इनका सम कर देंगे तो ये हो जाएगा एल वन प्लस एल टू तो इस जगह पे आपको एल वन प्लस एल टू करना है और भी अगर लूप है तो एल प्लस एल थ्री प्लस एल फोर एंड सो ऑन प्लस सम ऑफ ऑल पॉसिबल गेन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप मैंने नॉन टचिंग लूप का कॉन्सेप्ट बताया आपको अब इस केस में ये दोनों नॉन टचिंग टचिंगे तो इन दोनों लूप्स का प्रोडक्ट लेंगे हम ठीक है तो ये हो गया एल वन इन टू एल टू आ जाएगा यहाँ पर बट ऐसे नॉन टचिंग लूप के प्रोडक्ट का समीशन होगा यहाँ पर तो अगर एको लूप है यहाँ पर यह इस तरह का एल तो ये तीनों आपस में नॉन टचेंगे अगर ये तीनों आपस में नॉन टचिंग है तो ये एल वन इंटू एल थ्री भी आएगा एंड एल टू इंटू एल थ्री भी आएगा अब इस लाइन को समझिए आप सम ऑफ ऑल पॉसिबल गेन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप तो यहां पर टू नॉन टचिंग लूप के बारे में कहा गया था इसलिए हम दो दो का प्रोडक्ट ले रहे हैं एल वन इंटू एल थ्री भी नॉन टचिंग एल थ्री एल टू भी नॉन टचिंग एल वन एल टू भी नॉन टचिंग है और इन सभी का क्या होगा समेशन माइनस सम ऑफ ऑल पॉसिबल गेन प्रोडक्ट ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप ऐसे तीन लूप आइडेंटिफाई कीजिए जो एक दूसरे से नॉन टचिंग कंडीशन में तो L1, L2, L3 एल यहाँ पर तीनों ही नॉन टचिंग कंडीशन में तो यहाँ आ जाएगा L1, L2, L3 इस टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे हम अभी सिर्फ मैंने आपको इस फार्मूले को समझने के लिए एग्जाम्पल लिया है सो यू शुड रिमेंबर डेल इज इक्वल टू वन माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेंस प्लस सम ऑफ ऑल पॉसिबल गेन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉ टचिंग रूप माइनस सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूब्स पीके इज वॉट पीके इज फॉरवर्ड पाथ गेन. अभी फॉरवर्ड पाथ गेन की डेफिनेशन बताई थी आपको मैंने एक फॉरवर्ड पाथ आप ट्रेवर्स करते हैं तो जितने भी गेन आते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो उससे आप निकाल सकते हैं फॉरवर्ड पाथ गेंद डेल के इज वॉट डेल के इज पाथ फैक्टर इस पाथ फैक्टर का कॉन्सेप्ट मैं आपको ड्यूरिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही बताऊंगा ओके okay? चलिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं यहां पर देखिए एक सिग्नल फ्लो ग्राफ है ये इनपुट आर है ये आउटपुट सी है टारगेट क्या है आपका निकालना है सी बाय आर विद द हेल्प ऑफ मेशंस कैन फार्मूला तो यहाँ पर इंडिविजुअल लूप आइडेंटिफाई कीजिए सबसे पहले आप पहले इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेते हैं क्या क्या टर्म लिखी हुई है ये नोड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन नोड से यहाँ पर देखिए टू और थ्री के बीच में जो आपको गेन गिवन है वो है जी वन थ्री और टू के बीच में गिवन है माइनस एच वन थ्री और फोर के बीच में जी टू फोर और फाइव के बीच में जी थ्री फीडबैक वाला गिवन है माइनस एच टू यहाँ पर जी फोर ये जी फाइव ये माइनस एच थ्री और ये एक क्लोज लूप है इसकी वैल्यू है माइनस एच फोर यहाँ पर जितनी भी टर्म है वो और मैंने रीड कर दिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो अब हम निकालते हैं इंडिविजुअल लूप गेंस क्या निकालेंगे हम इंडिविजुअल लूप गेंस तो लूप आइडेंटिफाई कीजिए पहला तो ये दिख रहा है मुझे टू थ्री वाला टू से थ्री पे गया फिर फीडबैक हुआ और वापस से टू पे आया ये देखिए डायरेक्शन को तो ये लूप गेन कैसे निकालेंगे आप सारे गेन को मल्टीप्लाई कर दो तो L1 वन लूप कितना आया आपका माइनस जी वन एच वन तो ये हो गया आपका L1 वन लूप ठीक है इसकी बात कर रहे हैं हम एल के लिए अब निकालते हैं L2 टू लूप के गेन की वैल्यू ये देखिए फोर फाइव के बीच में जो है वो है L2 टू लूप तो फोर से फाइव पे गया और फिर फाइव से वापस फोर पे आया तो कितने गेन दिख रहे हैं एक तो G3 और फिर H2 तो ये हो जाएगा माइनस जी थ्री एच की वैल्यू आ गई अब थर्ड लूप कहाँ दिख रहा है L3 L3 दिख रहा है मुझे टू से थ्री पे गया फिर फोर पे गया फिर फाइव पे गया फिर फाइव से वापस रिवर्स डायरेक्शन में आए टू पे तो टू से ही ओरिजिनेट हुआ था टू पर ही एंड हो गया तो ये वाला बड़ा वाला लूप लेना है आपको अब कौन कौन से गेंद दिख रहे हैं यहाँ पर G1 फिर G2 फिर G3 फिर क्या दिख रहा है आपको माइनस एस तो ये हो जाएगा जी वन जी टू तो ये हो गया एल थ्री लूप गेन एल फोर की अगर बात करें तो ये जो क्लोज लूप दिख रहा है छोटा सा ये है आपका फोर्थ लूप इसका लूप गेन किसके बराबर होगा माइनस एच फोर के बराबर ही क्योंकि यहां पर एक ही लूप गेन दिख रहा है तो एल फोर हो गया माइनस एच फोर तो सभी लूप गेन की वैल्यू निकाल ली है हमने तो पहली स्टेप कंप्लीट होती है अब हम निकालते हैं फॉरवर्ड पाथ गेन्स यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड पाथ गेन क्या होंगे सेम डायग्राम फिर से बनाया है मैंने ताकि पिछली स्लाइड पे जाना ना पड़े फॉरवर्ड पाथ क्या होते हैं जो इनपुट नोट से निकलते हैं और आउटपुट नोट पे एंड होते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं चलना वन से टू पे गए थ्री पे गए फोर पे फाइव पे सिक्स पे सेवन पे कितने गेंद दिख रहे हैं तो ऐसे स्ट्रेट जाने तो जी वन फिर जी टू फिर जी थ्री फिर जी फोर ठीक है और कुछ है क्या नहीं तो पहला फॉरवर्ड पाथ गेन क्या हो गया आपका पी वन जी वन जी टू जी थ्री जी फोर अब सेकेंड फॉरवर्ड पाथ आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पर देखिए वन से टू पे फिर थ्री पे फिर ये एक और फॉरवर्ड पाथ ऊपर से जा रहा है इसको बाईपास करके सबको फिर सिक्स पे गया और फिर सेवन पे तो इसको भी फॉरवर्ड पाथ की तरह कंसिडर कर सकते हैं तो इन गैन्स को मल्टीप्लाई करें ये हो गया जी वन मल्टीप्लाइड बाई जी फाइव ओके तो जी वन जी फाइव भी दिखेंगे इस फॉरवर्ड पाथ के लिए तो सेकेंड फॉरवर्ड पाथ गेन क्या हो गया जी वन इंटू जी फाइव अब हम निकालेंगे पाथ फैक्टर ये डेल डेल के जो था ना मेशंस गेन फार्मूले में डेल के तो उसमें डेल वन डेल टू ये वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग आती है फॉरवर्ड पाथ की तो जितने फॉरवर्ड पाथ रहेंगे उतने ही पाथ फैक्टर रहेंगे यहाँ पर दो फॉरवर्ड पाथ हैं तो यहाँ पर दो फॉरवर्ड पाथ फैक्टर डिटरमाइन करने हैं हमको डेल वन एंड डेल टू अब इस डेल वन को कैसे निकालेंगे आप ये चेक कीजिए कि सभी जो लूप्स थे वो इस फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हैं या नहीं अगर सभी लूप हमारे इस फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हैं तो पाथ फैक्टर होगा वन तो पहला जो फॉरवर्ड पाथ था हमारा वो ये स्टेट लाइन है पूरी वन से टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये पूरी स्ट्रेट लाइन ठीक है अब यहाँ पर सभी लूप टच कर रहे हैं ये देखिए है, ये जो लूप है हमारा L1 इसकी टू एंड थ्री नोट दोनों ही टच कर रही है इस लूप की अगर बात करें फोर्थ एंड फिफ्थ नोड टच कर रही है एक भी नोड अगर टच कर रही है तो उसको बोलेंगे हम कि ये लूप टच कर रहा है ये बड़ा वाला लूप है तो ये लूप भी टच कर रहा है इस फॉरवर्ड पाथ को ये जो छोटा लूप है एल फोर वाला ये भी टच कर रहा है इस पॉइंट पे तो इस फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को हमारे सारे के सारे लूप टच कर रहे हैं इसलिए इसका पाथ फैक्टर कितना होगा वन क्लियर अब सेकेंड फॉरवर्ड पाथ को देखते हैं पी टू को जी वन जी फाइव वैल्यू थी इसकी तो ये जी वन फिर ये सबको बाईपास करके जी फाइव इधर से गया ठीक तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला एल फोर तो टच कर रहा है ये वाला छोटा लूप फिर ये एल वन भी टच कर रहा है हमारा फिर ये बड़ा वाला लूप भी टच कर रहा है इस नोट पर ठीक है एक भी नोट अगर टच करती है कि लूप की तो उसको बोलेंगे हम कि टच कर रहा है बट ये जो बीच में फोर फाइव वाला लूप है ये क्या ये इस फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहा है नहीं क्योंकि फॉरवर्ड पाथ तो इस थ्री पॉइंट के बाद ही यहाँ से बाईपास हो गया इसके ऊपर से निकल गया तो ये जो छोटा लूप बचा है एल टू वाला ये टच कर रहा है क्या नहीं तो इन इस तरह के केस में क्या करते हैं हम पाथ फैक्टर क्या होगा वन माइनस दिस नॉन टचिंग लूप तो एल टू लूप ही नॉन टचिंग है यहाँ पर इस फॉरवर्ड पाथ के लिए तो ये हो जाएगा वन माइनस एल टू इस तरह से आप पाथ फैक्टर निकाल सकते हैं फिर से समझो इस कॉन्सेप्ट को अगर सभी के सभी लूप इस फॉरवर्ड पाथ को टच करते हैं तो पाथ फैक्टर होगा वन अदरवाइज जो लूप टच नहीं कर रहा है उसको वन में से माइनस कर देंगे तो पाथ फैक्टर निकल जाएगा तो डेल टू की वैल्यू कितनी आएगी वन माइनस एल टू अब डिटरमाइन कीजिए नॉन टचिंग लूप्स। पहले टू नॉन टचिंग लूप डिटरमाइन कीजिए फिर डिटरमाइन करेंगे हम थ्री नॉन टचिंग लूप एल वन एल टू को देखिए आप ये जो एल वन लूप है और ये एल टू लूप है ये दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड है मीन्स इनकी एक भी नोड एक दूसरे को टच कर रही है क्या नहीं तो इसको बोल सकते हैं हम ये दोनों नॉन टचिंग लूप है तो एल वन एल टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो रिजल्टेंट गेन होगा वो होगा जी वन एच वन जी थ्री एच टू दोनों के माइनस साइन एक दूसरे से कैंसिल हो गए तो प्लस हो गया एल वन एल फोर ये देखिए एल वन यहाँ पर है और एल फोर कितना दूर है इससे तो ये दोनों लूप भी आपस में नॉन टचिंग हो गए तो ये हो गया L1 L4 तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे मिलेगा G1 H1 H4 L2 L4 ये जो सेकेंड लूप है ना L2 और ये L4 ये भी देखिए एक दूसरे से नॉन टचिंग कंडीशन में इसका रिजल्ट निकालेंगे मिलेगा G3 H2 H4 L3 L4 ये जो बड़ा सा लूप है ये H3 वाला तो ये L4 से नॉन टचिंग है इसका मतलब ये हुआ कि L4 जो लूप है वो तो इन सभी से नॉन टचिंग कंडीशन में है एल थ्री एल फोर मिल जाएगा जी वन जी टू जी थ्री एच थ्री एच फोर तो यहाँ पर फोर नॉन टचिंग लूप आएंगे फोर टू नॉन टचिंग लूप्स आएंगे अब निकालते हैं थ्री नॉन टचिंग लूप ऐसे तीन लूप निकालिए जो एक दूसरे को टच नहीं करते हों फर्स्ट एल वन देन एल टू एंड एल फोर एल वन एल टू एल फोर ये एक ही कंडीशन बन रही है ये तीनों लूप एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं तो इनका रिजल्ट गेन निकालेंगे मिलेगा माइनस जी वन एच वन जी थ्री एच टू एच फोर सभी कुछ निकाल चुके हैं अब हम पुट करेंगे सारे के सारी फार्मूले अब जो भी हमने डिटरमाइन किया है वो मेशन गेन फार्मूले पुट करते हैं यहां पर देखिए ग्राफ डिटरमाइन क्या होता है उस फार्मूले के अकॉर्डिंग डेल इज इक्वल टू तो वन माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप माइनस थ्री प्रोडक्ट ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप तो यहाँ पर आप को सभी वैल्यू मालूम है एल वन एल टू भी मालूम है ये प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर चुके हो आप थ्री नॉन टचिंग लूप का प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर चुके हो सारी वैल्यू पुट अप कर देना नाउ सी बाय आर इज गिवन बाय मेशंस गेंस फॉर्मूले से हम जानते हैं सी बाय आर क्या होता है वो होता है पी के डेल के डिवाइडेड बाय डेल पी के क्या हो गया दो ही फॉर्म पाथ है हमारे पास P1 वन डेल वन प्लस पी टू डेल टू तो ये P2 टू डेल टू तक ही जाएगा डिवाइडेड बाय दिस डेल यहाँ पर P की वैल्यू पुट कर देंगे ये निकाल चुके हैं पहले ही डेल वन क्या था पी के लिए वन ये वन पुट कर दिया P2 टू की वैल्यू निकालेंगे ये P2 टू की वैल्यू पुट कर दी क्या है जी वन ये डेल टू डेल टू क्या आया था हमारा डेल टू था हमारा वन माइनस ऑफ एल टू यहाँ पर एल टू की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस माइनस ऑफ जी थ्री एच टू तो ये हो जाएगा वन प्लस जी थ्री एच टू तो यहाँ पे देखिए आप डेल टू की वैल्यू पुट कर दी हमने वन प्लस जी थ्री एच टू तो न्यूमिनेटर वाला पार्ट कंप्लीट अब डेल की वैल्यू पुट कर दो तो वन एज इट इज़ ये चारों लूप का सम करना है तो ये देखिए चारों लूप का समेशन कर दिया हमने फिर ये चारों टर्म लेनी है हमें तो ये देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इनकी वैल्यू हम निकल चुके हैं फिर ये वाली टर्म लेनी है तो ये वाली टर्म हमने ये पुट कर दी ठीक है, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड ट्रांसफर फंक्शन विद द हेल्प ऑफ मेशन गेन फार्मूला आप कुछ और न्यूमेरिकल लेते हैं जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट होते जाएंगे इसमें यहां पर पहले हम ब्लॉक डायग्राम से बनाएंगे सिग्नल फ्लोग्राफ इस सिग्नल फ्लोग्राफ में लगाएंगे मेशन गेन फार्मूला और निकालेंगे ट्रांसफर फंक्शन इस क्वेश्चन को रीड कीजिए ऑप्टेन सिग्नल फ्लोग्राफ फॉर सिस्टम हुज ब्लॉक डायग्राम गिवन बिलो एंड यूजिंग मेशन गेन फार्मूला फाइंड सी बाय आर इस ब्लॉक डायग्राम में देखिए समिंग पॉइंट समिंग पॉइंट G1, G2, H1, H2, G4, G3, G5 समिंग पॉइंट G6 सिक्स एंड दिस आउटपुट सी सभी समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट को आप नोड से रिप्लेस कर दो तो ये देखिए इस समिंग पॉइंट को इस नोड से रिप्लेस करा एक नोड आ गई फिर इस समिंग पॉइंट को नोड से रिप्लेस करा दूसरी नोड आ गई इस टेक ऑफ पॉइंट को हमने रिप्लेस करा तो ये नोड आ गई इस टेक ऑफ पॉइंट को हमने रिप्लेस करा तो ये नोड आ गई इस समिंग पॉइंट को रिप्लेस करा तो ये नोड आ गई अब देखिए समिंग पॉइंट के बाद अगर टेक ऑफ पॉइंट हो ये पॉइंट ध्यान रखना समिंग पॉइंट के बाद अगर एक टेक ऑफ पॉइंट आ रहा है तो इन दोनों को सिंगल नोड से रिप्लेस कर सकते हो आप तो यहाँ पर हमने एक सिंगल नोड ले लिए ठीक दो अलग अलग नोड लेने की ज़रूरत नहीं है कॉमन नोड से भी रिप्लेस कर सकते हो आप देन दिस आउटपुट सी अब देखिए आप दोनों समिंग पॉइंट के बीच में कुछ था क्या नहीं था तो इसका मतलब यूनिटी रहेगा वन इस समिंग पॉइंट इस टेक ऑफ पॉइंट के बीच में था ये जी वन तो ये फॉरवर्ड पाथ में क्या आ गया जी वन इस ऑफ पॉइंट और इस टेक ऑफ पॉइंट के बीच में था जी टू तो ये आ गया जी टू इस ऑफ पॉइंट और इस समिंग पॉइंट के बीच में, तो के में तीनों कनेक्टेड है कैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में कनेक्टेड है तो G4, G3, G5 को देखिए फॉरवर्ड पाथ की तरह कनेक्ट करना है आपको फिर इस समिंग पॉइंट के बाद टेकऑफ पॉइंट है तो इसको सिंगल नोड की तरह कंसीडर करा ये सिंगल नोड ले ली इस G6 को यहाँ लगाना है तो ये G6 लगा दिया अब फीडबैक में देखते हैं G1 के बाद जो भी नोड आ रही है उससे फीडबैक लेना है और इस नोड में देना है तो G1 के बाद ये नोड आ रही थी इससे फीडबैक लिया और इसकी प्रीवियस नोड में दिया ये हो गया माइनस एच वन फिर देखिए आप G6 के पहले जो नोट थी वहाँ से फीडबैक लेना है जी सिक्स के पहले ये नोट थी यहाँ से फीडबैक लिया और फर्स्ट वाली नोट में देना है किस वैल्यू का H2 टू वैल्यू का यहाँ पर नेगेटिव साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस एच टू वैल्यू का देना है आपको इस प्रकार से आप एक ब्लॉक को रिप्लेस कर सकते हैं एक सिग्नल फ्लो ग्राफ से तो ये सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना मैंने आपको सिखा दिया है फिर से समझिए आप सबसे पहले आप इन समिंग पॉइंट और टेकऑफ पॉइंट को नोट से रिप्लेस कीजिए समिंग पॉइंट के बाद अगर कोई ऑफ पॉइंट होता है तो उसको सिंगल नोड से रिप्लेस कर सकते हैं आप देख लीजिए आप सभी नोड्स के बीच में क्या क्या कनेक्टेड है उसको कनेक्ट कीजिए और सॉल्व कीजिए ये सिग्नल फ्लोग्राफ हम बना चुके हैं इसको देखिए आप ध्यान से ये सिग्नल फ्लोग्राफ बना चुके हैं नाउ पहले निकालते हैं फॉरवर्ड पाथ गेंस तो P1 को आप ऑब्जर्व कीजिए इस R से स्टार्ट किया इनपुट नोड से आउटपुट नोड के बीच में जो भी फॉरवर्ड पाथ में आएगा वो हमारा रहेगा फॉरवर्ड पाथ गेंद तो पहले क्या दिख रहा है जी वन देन जी टू देन जी थ्री देन जी सिक्स कहाँ पहुँच गए आउटपुट नोड पे तो पहला P1 हो गया हमारा G1, G2, G3, G6। अब देखिए आप G1 पे गए G2 पे गए फिर इस G3 को बाईपास करके ऊपर से जा सकते हैं G4 के थ्रू फिर कहाँ गए G6 पे तो सेकेंड आ जाएगा G1, G2, G4, G6। इस बार G3 की के क्या हो गया G4, तो क्योंकि हमने ऊपर वाला पाथ लिया है अब एक नीचे वाला पाथ भी ले सकते हैं G5 वाला ठीक है तो इनपुट नोड से स्टार्ट किया G1, G2, देन g5 फाइव एंड जी सिक्स जी वन जी टू देन जी सिक्स तीनों फॉरवर्ड पाथ आ गए तो इस सिग्नल फ्लो ग्राफ के लिए तीन फॉरवर्ड पाथ आएंगे p1 p2 p3 एक स्ट्रेट लाइन वाला फिर एक g4 के थ्रू फिर एक g5 के थ्रू ठीक है अब निकालते हैं हम लूप गेंस लूप्स देखते हैं तो पहला लूप तो आपको ये दिख रहा होगा g1 से फिर ये आया फीडबैक में तो माइनस जी वन एच वन या आ गया माइनस जी वन एच वन फिर सेकेंड लूप क्या होगा हमारा सेकेंड लूप हो जाएगा G1, G2, G3. फिर देखिए इस नोड से आगे मत जाइए वापिस से इधर फीडबैक में जाइए और इनपुट नोड से मिल जाइए तो ये हो जाएगा G1, G2, G3, देन माइनस ऑफ H2, ये हो गया माइनस G1, G2, G3, H2. फिर अगर हम ऊपर वाला पाथ लेते हैं G4, फिर हमें आउटपुट की तरफ नहीं जाना है फीडबैक से होता हुआ वापस इनपुट नोड पर जाना है तो इस बार हमें मिल जाएगा G1, G2, G4, then minus H2, देन G2, G4, H2 इसी प्रकार आप L4 भी निकाल सकते हैं माइनस G1, G2, G5, H2 तो यहाँ पर फोर लूप गेंस आएंगे हमारे पास और थ्री फॉरवर्ड पाथ गेन हैं अब निकालते हैं हम पाथ फैक्टर पाथ फैक्टर का तरीका बताया आपको फॉरवर्ड पाथ को चेक करते हैं क्या सभी लूप इनको टच कर रहे हैं तो पहला फॉरवर्ड पाथ तो ये रहा हमारा ये स्ट्रेट लाइन वाला हाँ सभी लूप टच करेंगे इनको क्यों क्योंकि सभी लूप में ये एच टू इंक्लूड है ठीक है ये जो एच टू की अगर बात करें और सभी फॉरवर्ड पाथ स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं इस नोट से स्टार्ट हो रहे हैं और ये एच टू लूप एंड कहाँ हो रहा है इस नोट पे ही एंड हो रहा है इसका मतलब ये सभी फॉरवर्ड पाथ को टच करेगा तो सभी फॉरवर्ड पाथ का जो पाथ फैक्टर रहेगा वो क्या रहेगा इस लूप के लिए तो वन रहेगा अब सेकेंड लूप को चेक करते हैं सेकेंड लूप क्या है हमारा येरा जी वन एच वन वाला तो सेकेंड लूप इस नोट पे टच कर रहा है और सभी फॉरवर्ड पाथ जो है इस नोट से भी होकर गुजर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों के दोनों लूप हैं सभी फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हैं ठीक है इसलिए इन सभी फॉरवर्ड पाथ के करस्पॉन्डिंग जो पाथ फैक्टर रहेगा वो ऑलवेज वन रहेगा तो डेल वन भी वन आ गया डेल टू वन आ गया डेल थ्री वन आ गया ये पाथ फैक्टर कैसे निकालते हैं मैं आपको समझा चुका हूँ प्रीवियस क्वेश्चन में आप देखते हैं क्या कोई नॉन टचिंग लूप तो नहीं है ये लूप हमारा फर्स्ट है और ये बड़ा वाला लूप सेकेंड है अब देखिए ऐसा बोल सकते हो क्या इस बड़े लूप के अंदर इस ये जो बड़ा लूप है हमारे पास इसके अंदर ही इस ये छोटा लूप है ठीक है मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो यहाँ पर नॉन टचिंग लूप कितने हो गए जीरो कोई भी नॉन टचिंग लूप नहीं है ग्राफ डिटर्मिन कैसे निकालेंगे वन माइनस ऑफ सम ऑफ दिस इंडिविजुअल लूप प्लस जीरो क्योंकि कोई नॉन टचिंग लूप तो है नहीं लगाते हैं मेशन गेन फार्मूला मेशन गेन फार्मूला के अकॉर्डिंग सी बाय आर क्या हो जाएगा पी वन डेल वन प्लस पी टू डेल टू प्लस पी थ्री डेल थ्री डिवाइडेड बाई डिज डेल पी वन की वैल्यू पुट कर देंगे पी टू की वैल्यू पुट कर देंगे पी थ्री की वैल्यू पुट कर देंगे डेल वन डेल टू डेल थ्री की वैल्यू तो वन है नीचे आप डेल की वैल्यू पुट कर दो सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर बस आपको यहां पर सिर्फ वैल्यू ही पुटअप करना है अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर भी एक हमारे पास ब्लॉक है इस ब्लॉक को हम रिप्लेस करेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ से ये समिंग पॉइंट इसको एक नोड से रिप्लेस कर दिया ये रहा समिंग पॉइंट इसको भी एक नोड से रिप्लेस कर दिया फिर एक और समिंग पॉइंट आ गया इस नोड से रिप्लेस कर दिया फिर ये ऑफ पॉइंट है इस नोड से रिप्लेस कर दिया फिर ये समिंग पॉइंट है इस नोड से रिप्लेस कर दिया समिंग पॉइंट के बाद टेक ऑफ पॉइंट है ये तो इनको एक कॉमन नोड से रिप्लेस करेंगे इसलिए यहाँ पर एक सिंगल नोड लिए इसके बाद कोई नोड नहीं लिए इन दोनों समिंग पॉइंट के बीच में कुछ नहीं है मतलब वन रहेगा इस समिंग पॉइंट और इस समिंग पॉइंट के बीच में क्या था जीवन तो यहाँ पे जीवन इस समिंग पॉइंट और इस टेक ऑफ पॉइंट तो देखिए समिंग पॉइंट के बाद टेक ऑफ पॉइंट है तो दोनों को कॉमन नोड से रिप्लेस कर सकते हैं तो ये यह देखिए यहाँ पे कॉमन नोड से ही रिप्लेस किया है फिर इसके बाद क्या है जी टू यह रहा जी टू फिर इस पॉइंट के बाद और इसके बीच में क्या है जी थ्री तो ये जी थ्री ले लिया इस नोड और इस नोड के बीच में ऊपर से क्या जा रहा है जी तो देखिए फॉरवर्ड करता हुआ जी जा रहा है फिर यहाँ से फीडबैक में क्या आ रहा है एच तो ये फ़ीडबैक में आ रहा है एच फिर यहाँ से फ़ीडबैक में क्या आ रहा है कुछ वैल्यू गिवन नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा वन अब देखिए माइनस वन कैसे आएगा माइनस एच वन कैसे आएगा एच टू डिपेंड करेगा कि नेगेटिव फीडबैक है कि पॉजिटिव यहाँ पर भी नेगेटिव है नेगेटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो जो तीनों लूप आ रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस एच वन माइनस एच टू माइनस ऑफ वन इस फॉरवर्ड पाथ का भी ध्यान रखें आप ये फॉरवर्ड पाथ से जो ट्रांसफ़र फंक्शन जा रहा है आपका जी फोर ये भी आगे जाके माइनस हो रहा है यहाँ पर तो यहाँ पर माइनस जी फोर लिखना है इसको ऑब्जर्व करना है आपको गलती ना कीजिए ये माइनस ऑफ जी फोर रहेगा चूँकि यहाँ पर क्या हो रहा है सब्टेक्शन हो रहा है इस समिंग पॉइंट पर आने के बाद तो इस पॉइंट को ध्यान रखें आप अब हम सभी कुछ निकालते हैं फॉरवर्ड पाथ लूप गेंस मेशन गेन फार्मूले से ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो ये हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ है जो अभी मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम से बनाना सिखाया है पहले देखते हैं यहां पे फॉरवर्ड पाथ गेन कितने होंगे तो फॉरवर्ड पाथ गेन के लिए इनपुट नोड और आउटपुट नोड के बीच में ही देखते हैं तो इनपुट नोड से स्टार्ट किया स्टेट गए फिर जी मिला फिर जी मिला फिर जी मिला और फिर आउटपुट नोड मिल गई तो इनपुट और आउटपुट नोड के बीच में जो भी आता है वो कहलाता है फॉरवर्ड पाथ गेंद तो पहला गेन क्या हुआ जी वन जी टू एंड जी थ्री फिर स्टार्ट करते हैं इनपुट नोड से जी वन मिला फिर यहाँ से बाईपास कर देते हैं फिर जी फोर से होता हुआ आउटपुट नोड की तरफ जाते हैं यहाँ ध्यान रखना माइनस ऑफ जी फोर है इसलिए ये पी टू कितना मिला आपको माइनस जी वन जी फोर अब लूप गेन्स की अगर बात करें तो फर्स्ट लूप देखिए आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए जी वन फिर जी टू मिला फिर ये फीडबैक होकर यहाँ वापिस आ गया तो ये हो गया जी वन जी टू एंड माइनस एच वन जी वन जी टू माइनस एच वन ये फर्स्ट लूप क्लियर होना चाहिए देन एल टू की अगर बात करें तो जी वन एल टू की अगर बात करें तो ये हो जाएगा इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है जी टू जी थ्री फिर इस नोड से वापिस फीडबैक होके वापिस कहाँ पे आ गया इस नोड पे आ गया तो एक और लूप मिल गया जी टू जी थ्री एंड एच टू ये हो जाएगा एल टू माइनस जी टू जी थ्री एंड एच टू एल थ्री की अगर बात करें तो एल थ्री लूप है हमारा जी फोर एच टू देखिए जी फोर एच टू कहाँ पर है इस नोड से स्टार्ट कीजिए फिर ये बाईपास करके ऊपर से गया फिर वापस से इधर आया तो ये ये देखिए ये वाला लूप दिख रहा है आपको ये एक लूप बन रहा है है ना इस लूप गेन की वैल्यू क्या होगी जी फोर एच टू ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा इसलिए एल थ्री का मिलेगा जी फोर एच टू एल फोर की अगर बात करें तो ये है जी वन जी टू जी थ्री इस नोड से स्टार्ट करें जी वन जी टू जी थ्री फिर इस नोड से ये यूनिटी फीडबैक से होता हुआ वापस से इस नोड पे आ गया अच्छा यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस लूप को तो देखिए ये बड़े वाले लूप को आप ऑब्जर्व कीजिए ये ऐसा जा रहा है फिर इस यूनिटी फीडबैक से होता हुआ इस पॉइंट पे वापस मिल रहा है तो ये हो जाएगा जी वन जी टू जी थ्री क्योंकि यूनिटी फीडबैक है इसलिए वन से मल्टीप्लाई होगा तो यही वैल्यू मिलेगी आपको विद नेगेटिव साइन एल फाइव की बात करें तो ये है जी वन जी फोर एल फाइव देखिए आप ये जी वन यहाँ से स्टार्ट किया फिर ये यहाँ तक आया फिर इन दोनों को बाईपास करके ऊपर से गया ये जी फोर फिर यहाँ से यूनिटी फीडबैक के थ्रू आया वापस से इस नोट पर मिल गया तो यहाँ मिलेगा हमें जी वन जी फोर ये भी माइनस वन है ये भी माइनस साइन है, है तो ये हो जाएगा जी वन जी फोर इस तरह से यहाँ पे फाइव लूप आएंगे आप पाथ फैक्टर निकालेंगे आप पाथ फैक्टर चेक करना पाथ फैक्टर लिए क्या करना है आपको कि चेक करना है कि सारे लूप इनको टच कर रहे हैं कि नहीं यहाँ पर L1, L2, L3, L4, L5 जितने भी लूप हैं इनकी एक ना एक नोड जो है इस P1 को पूरी तरह टच कर रही है ठीक है तो इसलिए पाथ फैक्टर क्या होगा इससे करस्पॉन्डिंग डे एल वन इक्वल टू वन ऐसे ही P2 को भी ये सभी लूप की एक ना एक नोड टच कर रही है डेल्टू कितना आएगा वन फिर आप मेशन गेन फॉर्म में वैल्यू पुटअप कर दो तो सबकी तो जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा वो होगा आपका ये वाला दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर देखिए आप इस फिगर को ये है इनपुट नोड, ये है आपकी आउटपुट नोड, ये वन फिर ये जी टू फॉरवर्ड में जी फोर फिर ये जी वन जी एट, जी एट जी सिक्स जी सेवन G5 ये माइनस एच टू माइनस एच वन ठीक है इस सिग्नल ग्राफ को पहले आप अच्छे से देखिए अब यहाँ पर फॉरवर्ड पाथ गेन आइडेंटिफाई कीजिए ये सब लिख रखा है मैंने P1 P2 P3 P4 P5 P6 पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है आपको आपको जस्ट चेक करना है कि क्या ये फॉरवर्ड पाथ हैं ऐसे यहाँ पर तीन लूप गेन आ रहे हैं L1 L2 L3 क्योंकि मैं आपको तीन क्वेश्चन डिटेल में बता चुका हूँ इसलिए ये क्वेश्चन आपका सेल्फ असेसमेंट या सेल्फ असाइनमेंट बोल सकते हैं आप इसको खुद ट्राई कीजिए इसको बाकी मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है बस आपको समझना खुद है ठीक है तो ये सभी फॉरवर्ड पाथ गिवन है आपको लूप गेन गिवन है नॉन टचिंग लूप भी निकाल के रखे मैंने पाथ फैक्टर भी यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है ठीक है उसके बाद इन सबको मैशंस गेन फॉर्म ने पुट भी करके दिखाया है यहाँ पर और इस ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू भी निकाल के रख दिए बस आपको इस सॉल्यूशन को समझना है ठीक है